Assalamu alaikum everybody, I hope you all are fine. So today is our English class and we will discuss some exercises from the chapter Art Beat the Art Competition from the page number 53 to 54. So in the first exercise we have listening and speaking focus. Look at the following pictures. Use words from the word bank to describe the non-verbal cues in the pictures. Kya hai hamare paas? ये कहा गया है कि आप इन पिक्चर्स को देखिए, ठीक है, और वर्ड बैंक से हमें वर्ड्स यूज़ करके डिस्क्राइब करना है नॉन वर्बल क्यूज़ को. नॉन वर्बल क्यूज़ क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो बोले नहीं जाते लेकिन हम उनके एक्सप्रेशन से उन आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पिक्चर के एक्सप्रेशन से आप क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पिक्चर क्या है? थम्स अप. इसी तरह से सेकेंड पिक्चर से आप ये आइडेंटिफाई करते हैं एक्सप्रेशन से कि ये पिक्चर क्या है? सैड. इसी तरह से हमारे पास थर्ड पिक्चर है, ठीक है, आप इसके एक्सप्रेशन से क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पिक्चर क्या है? थिंकिंग. फोर्थ पिक्चर क्या है हमारे पास? साइलेंट. तो हमने क्या किया, हम नॉन वर्बल थे हमारे पास. नॉन वर्बल क्या? जो बोले नहीं जाते, बट हमने इसके एक्सप्रेशन से इसे क्या किया? आइडेंटिफाई किया. सो द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 54. So we have comprehension focus. In this exercise we have three questions. So the first question is, on what date was last year's art day event held? Yani last year ke art day ka event ki kya date thi, kis date ko hua tha ye event? So the answer is, last year's art day event was held on 27th June 2016. यानी लास्ट ईयर के आर्ट डे का इवेंट हमारे पास 27th June 2016 को हुआ था, ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मेन टेक्सचुअल फीचर्स ऑफ अ ब्रोशर? सो द आंसर इज, टेक्स्ट फीचर इंफॉर्मेशन, इवेंट नेम एंड डेट्स एंड टाइम ऑफ द इवेंट. यानी इवेंट का नाम, उसकी डेट कि वो किस डेट को होगा, टाइम किस टाइम पे होगा, हमें ये सारी चीज़ें टेक्स्ट फीचर्स इंफॉर्मेशन या टेक्सचुअल फीचर्स इंफॉर्मेशन में बताते हैं. लोकेशन ऑफ द इवेंट, यानी इवेंट की लोकेशन कहाँ है, इवेंट कहाँ होगा. इवेंट फीचर्स, इवेंट फीचर्स यानी कि वो जो इवेंट आप कर रहे हैं वो कितने साल के बच्चों के लिए है, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ये सारी चीज़ें हम अपने इवेंट फीचर्स में डालते हैं कि ये जो इवेंट है वो कितने साल के बच्चों के लिए है, कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है, ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? इवेंट फीचर्स में आती हैं, ठीक है. सो व्हाट आर द मेन ग्राफिकल फीचर्स ऑफ अ ब्रोशर? अब हम ये देखते हैं कि मेन ग्राफिकल फीचर्स क्या हैं ब्रोशर के. ग्राफिकल फीचर्स, पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशंस रिलेटेड टू द इवेंट. यानी कि आप अपने ब्रोशर में पिक्चर्स वगैरह क्या करते हैं, लगाते हैं, जिससे आपकी जो आपका जो ब्रोशर है वो क्या लगता है, अट्रैक्टिव लगता है. लेआउट बनाते हैं आप कि जो चीज़ें आपके इवेंट में होंगी क्या नहीं होगी, चीज़ें आप अलाइन करते हैं, इसका लेआउट बनाते हैं. कलर स्कीम, कलर स्कीम होती है, जितनी कलर स्कीम होगी आपकी उतनी ही आपका जो ब्रोशर है वो उतना ही क्या होगा, आई कैचिंग होगा, ठीक है. सो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में ये डिस्कस किया कि हमारे लास्ट ईयर के आर्ट डे इवेंट की क्या डेट थी, फिर हमने मेन टेक्सचुअल फीचर्स को डिस्कस किया, फिर हमने मेन ग्राफिकल फीचर्स को डिस्कस किया. सो इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, फोनिक फोकस रिविजन, प्रोनाउंस एंड राइट द वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वाउवल साउंड. यानी हमें इन सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है, पर हमें वो वर्ड लिस्ट डाउन करना है, वो वर्ड लिखने हैं जो वाउवल साउंड से स्टार्ट होते हों. वाउवल्स क्या होते हैं हमारे पास? ए ई आई ओ यू. यानी इनमें से जो भी वर्ड हमारे पास ए ई आई ओ यू से यानी वाउवल से स्टार्ट होगा उसको हम नीचे लिस्ट डाउन कर देंगे, ठीक है. सो द फर्स्ट वर्ड इज ऑर्गेनाइज. ऑर्गेनाइज हमारे पास, ऑर्गेनाइज का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? ओ. और ये क्या है? वोवेल. तो हम इसे क्या कर देंगे? नीचे लिस्ट डाउन कर देंगे, ठीक है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओ आर जी ए एन आई एस ई, ऑर्गेनाइज. सो द सेकेंड वर्ड इज कॉम्पिटिशन. अब आप ये देखें, कॉम्पिटिशन का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? वोवेल नहीं है. तो हम इसे जस्ट प्रोनाउंस करेंगे बट इसे हम लिस्ट डाउन नहीं करेंगे क्योंकि ये वोवेल से स्टार्ट नहीं होता. The third word is participate. Participate का जो P है, P is not vowel. So participate हम just pronounce करेंगे, ठीक है, हम इसे list down नहीं करेंगे. Next word is excitedly. Excitedly का जो first letter है वो क्या है? Vowel है. तो हम इसे क्या कर देंगे? List down कर देंगे. तो second word क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? Excitedly. E X C I
टी ई डी एल वाई एक्साइटेडली. द नेक्स्ट वर्ड इज एंथुजियास्टिक. एंथुजियास्टिक का हमारे पास जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, वोवल है, तो हम भी इसे क्या कर देंगे, लिस्ट डाउन कर देंगे. द थर्ड वर्ड इज एंथुजियास्टिक, ई एन टी एच यू एस आई एस एस आई ए एस टी आई सी एंथुजियास्टिक. द नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्टिजमेंट. एडवर्टिजमेंट का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, वोवल है, तो हम इसे क्या कर देंगे, इसी तरह से नीचे लिस्ट डाउन कर देंगे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एडवर्टिजमेंट. ठीक है. द नेक्स्ट वर्ड इज बीट. बीट का जो फर्स्ट लेटर है वो हमारे पास क्या है, वोवल नहीं है, तो हम इसे जस्ट प्रोनाउंस करेंगे बट लिस्ट डाउन नहीं करेंगे. द नेक्स्ट वर्ड इज नॉलेज. इसी तरह से नॉलेज का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, के. ठीक है, जो हमारे पास वोवल नहीं है तो इसलिए जस्ट हम इसे प्रोनाउंस करेंगे बट इसे हम लिस्ट डाउन नहीं करेंगे. द नेक्स्ट वर्ड इज मटेरियल. मटेरियल भी क्या है, वोवल नहीं है. द नेक्स्ट वर्ड इज इवेंट. हमारे पास इवेंट क्या है, इवेंट का जो फर्स्ट लेटर है हमारे पास वो वोवल है, तो हम इसे नीचे क्या कर देंगे, एज इट इज़ इस वर्ड को हम लिस्ट डाउन कर देंगे. इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एनदर. ठीक है, एनदर हमारे पास क्या है, वोवल है, वोवल साउंड से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसे यहाँ पे क्या करेंगे, एज इट इज़ लिस्ट डाउन कर देंगे. द नेक्स्ट वर्ड इज इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है, वोवल साउंड से स्टार्ट होता है, इसी तरह से हम इसे क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे हम इंस्ट्रक्शन. ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड क्या है, आई, जो हमारे पास वोवल है. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इंटरेस्टिंग, जो भी हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, वोवल साउंड से स्टार्ट होता है, तो हम इसे यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिस्ट डाउन कर देंगे. इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट वर्ड क्या है, इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन क्या है हमारे पास, ये वर्ड भी हमारे पास वोवल से स्टार्ट होता है, तो इसे भी हम क्या कर देंगे, नीचे लिस्ट डाउन कर देंगे एज इट इज़. ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस किया बट हमने क्या वो वर्ड्स लिखे जो किससे स्टार्ट होते थे, वोवल साउंड से स्टार्ट होते थे, हमने उन सारे वर्ड्स को क्या कर दिया, लिस्ट डाउन कर दिया. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर लिस्ट. एवरीबडी स्टे एट होम एंड स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.